हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को हमारा तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कोई भी पिकनिक विकनिक नहीं जाने वाले हैं, हाफ डे छुट्टी लिए हैं। तो घर में मैं क्या क्या बना रही हूँ आप सभी को दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने का नया साल के लिए तैयारी बन रहा है। ये प्याज तो प्याज काटी हूँ पकौड़ी बनाने, मतलब मिर्ची भाजी बनाने के लिए। और प्याज काटी हूँ और फूलगोभी और आलू भी। सोनाली नहीं खाएगा मिर्ची वाला, उसके लिए उसका लिए प्याज और फूलगोभी और आलू मैं जो है बना दूंगी पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं रेसिपी वीडियो भी जो है बना रही हूँ। तो बेसन में नमक डाल दी हूँ अभी। और आप लोग क्या क्या बनाए हैं आज 1 जनवरी 1 तारीख को, हम लोग को कमेंट में जरूर बताना। कढ़ाई को गरम कर लिए हैं और अभी इसमें डाल रहे हैं ऑयल। इधर जो है मेरा रेसिपी वीडियो भी बन रहा है। बस तो ऑयल को डाल दिया हूँ, गरम हो जाएगा ऑयल। और यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बनाऊंगा ये जी बनाऊंगा। तेल गरम हो गया है फ्रेंड्स। रात में हम लोग चिकन भी बनाने वाले हैं और अभी जो है ये सब कुछ बना रहे हैं, पकौड़ी वकौड़ी। रात में चिकन बनाएंगे। भज्जी जो है बन गया है, अब मैं इसको उतार लूंगी। देख सकते हैं मैंने सबको निकाल दिया है और बढ़िया बन गए हैं। अब इसका ऊपर मुझे डालना है काला नमक, चाट मसाला, मिर्ची पाउडर, उसके बाद हम लोग इसको खाएंगे। खा, मिर्ची है उसमें। हाँ? मिर्ची है, मिर्ची फेंक देगा। हाँ। और वापस दिया। तो यहाँ पे मैंने प्याज को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब डालेंगे इसमें कढ़ाई में। तो हाथों में मैं इस तरीके से ले रही हूँ और इसको डाल रही हूँ कढ़ाई में। आराम से हमें डालना है वरना जो है तेल हाथ में चिपक जाएगा। हाँ क्या हुआ? बच्चा खा दिया। बच्चा कौन? बच्चा वो बच्चे मिर्चा खा दी। हाँ। नहीं खाना मिर्चा। यहाँ पे सारे मैंने डाल दिए हैं पकोड़े और इसको पलट लेंगे एक बार अच्छे से और छोड़ दें। तो यहाँ पे पकोड़ी बन गया है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ और दूसरा भी इसी तरीके से जो है तेल में तल लेंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी गोभी। गोभी को मैंने आपको मीडियम साइज में काटा हुआ है, डाल के मिला लूंगी बेसन के साथ और इसे भी तल लेंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ फूलगोभी की पकौड़ी बना रही हूँ। तो देखिए गोभी की पकौड़ी तल रही हूँ मैं। गोभी पकौड़े जो है बन के रेडी हो गया है और अब मैं निकाल रही हूँ इसको ऑयल से। गोभी पकौड़े जो है बन गया है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो
तो यहाँ पे चार आइटम की पकौड़े हम लोग बनाए हैं, प्याज की, आलू की और मिर्ची की और फूलगोभी की। और अब मैं बनाऊंगी सेमिया की खीर और रात में बनाएंगे चिकन। तो हो गया है, अब मैं कढ़ाई सबको उतार देती हूँ और उसमें दूध जो उबालेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सारे पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे काजू और किशमिश को थोड़ी सी घी में फ्राई कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घी डाला था, उसके बाद यहाँ पे डाली हूँ सेमिया और इसे अच्छे से फ्राई कर लेनी है। तो मैंने एक बर्तन को यहाँ पे बिठा दिया है और ये देख सकते हैं 1 लीटर दूध है, तो दूध को इसमें डालना है। तो दूध को मैं इसमें डालती हूँ। तो इसको उबालना है दूध को। तो दूध को हमें चलाते रहना है वरना नीचे से चिपक जाएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी 5 से 6 इलायची और 2 तेज पत्ता। क्या पकौड़ा? पकौड़ी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तुम, नहीं दिख रहे, नहीं छू, गरम है ले। और अभी मैं डाल रही हूँ सेमिया, तो इसे डाल के यहाँ पे जो है सेमिया अच्छे से पक गया है। अभी इसके दूध जो है थोड़ी सी और गाढ़ा करनी है दूध को। दो चम्मच, 3, 4, 5, तो 5 चम्मच चीनी डाला हूँ, इसे मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ काजू किशमिश डाल दिया है, अब मिला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेमिया जो है, दूध जो अच्छे से सूख गया है, इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करनी है वरना ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसको उतार दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे जो पकौड़े थे बना लिए हैं, गोभी के, आलू के, मिर्ची के और प्याज के, और सेमिया की खीर भी बना लिया है। और अभी टाइम भी हो गया है, तो हम लोग खाना पीना खा के अभी चले जाएंगे काम करने के लिए। फिर से आऊँगा काम से शाम को, तो आप लोग को दिखाऊँगा कि कैसे मैं चिकन बनाया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिकन बन रहा है, अभी सारा चीज़ जो है बन गया है, खाली चिकन बाकी है। अच्छा से प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो गया है, अभी टमाटर डालेंगे। सारे मसाला जो है इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मसाला भून गया है। अब डाल देंगे इसमें चिकन को डाल दे रहे हैं यहाँ पे, और अभी इसे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अभी मैंने इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसी तरीके से मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे इसको। देख सकते हैं चिकन जो है बन के रेडी हो गया है, और अभी मैं निकाल रही हूँ खाना, और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गया है। हम लोग आज हाफ डे छुट्टी लिए थे और हाफ डे काम गए थे, उसके लिए ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाए हैं। तो देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे खाना निकल रहे हैं, और जितना भी हम लोग सुबह बनाया था सेमिया की खीर और पकौड़ा जो भी बनाया था, वो सब हम लोग 12 बजे खा लिए थे, पर आप लोग को नहीं दिखा पाया क्योंकि टाइम हो गया था, काम जाने के लिए टाइम हो गया था, उसके लिए नहीं दिखा पाए थे। तो अभी हम लोग चिकन बनाए हैं, चिकन खा लेंगे और अभी सो जाएंगे, सुबह फिर से हमें काम जाना है।
तो आज का जो ब्लॉग में उतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।